श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन व्रत किया जाता है। दर्शकों कहा जाता है कि शनिवार के दिन व्रत आदि एवं भगवान शनिदेव की आराधना करने से वह प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन की तमाम संकटों से छुटकारा प्राप्त होता है, निजात मिलता है। इसी प्रकार दर्शकों आज हम आप लोगों को एक छोटा सा शनिवार का उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया हुआ बहुत ही कारगर उपाय है और इस उपाय को शनिवार के दिन आप सभी को करना चाहिए। दर्शकों कहा जाता है कि शनिवार के दिन इस छोटे से उपाय को करने से भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही व्यक्ति के जीवन की तमाम समस्या दूर होती है। तो दर्शकों किस तरह से किस प्रकार से इस छोटे से उपाय को करना है वह जानकर इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हर बार की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दर्शकों शनिवार के दिन एक ऐसा उपाय जिसे करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न हो सके, जीवन की तमाम समस्याओं से निजात मिल सके। तो दर्शकों आप लोग को आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस उपाय को प्रदोष के यानी कि संध्या के समय करना है। तो आप लोगों को एक आटे का दीपक बनाना है, उसमें आप लोगों को सरसों का तेल डालना है। दोस्तों शनिवार के दिन सरसों के तेल का विशेष महत्व होता है। सरसों का तेल डाल देना है, उसके बाद में आप लोगों को उसमें लंबी बात रखकर और आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो आप लोगों को उसकी नज़दीक जाना है और पीपल के नीचे आप लोगों को जड़ में उस दीपक को रखना है और जला देना है। जो भी जीवन में मुख्य तकलीफें आ रही हैं उनके बारे में आप लोगों को बोल देना है। लगातार आप लोगों को भगवान शनिदेव के जप का स्मरण करना है। इस कार्य को कर आप लोगों को चुपचाप अपने घर आ जाना है। दर्शकों लगातार चार शनिवार आप लोग इस कार्य को करते हैं तो आप लोगों को निजात की प्राप्ति होगी, साथ ही आपका हर कार्य बनने लगेगा, भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप सभी इस कार्य को करें, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।